योगी जी ने अफसरों को बुलाया और ये बोला, कहीं भी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नई प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, और कोशिश ये करो जो पुरानी लगी है उनको तुड़वाओ। जो ये कहते हैं ना तालिबानी, ओसामा बिन लादेन है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है, ये ओसामा बिन लादेन है। और इनकी जो ये फोर्स लगी हुई है, ये भैया अलकायदा है, अलकायदा। ये शासन नहीं चला रहे, ये गुंडा राज चला रहे हैं, गुंडा राज चला रहे हैं ये लोग। खेत हमारा, मालिक हम, और चौधरी बने योगी आदित्यनाथ। 5 साल के लिए सरकार आती है, किराएदार हो तुम, इस देश के मालिक हुक्मरान हम है, जो ये खड़े देखो, ये सरकार के नौकर है भाई, हमारे नौकर है, तेरे बाप के नौकर है क्या? कि दलितों की दोबारा सरकार नहीं आएगी, दलितों को उठा करके जेलों में डाला जाएगा और इस देश में तानाशाही आएगी। गांव है गोरा गांव, गोरा गांव है ना, गोरा गांव में जमीन हमारी, जगह हमारी, खेत हमारा, मालिक हम, और चौधरी बने योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने बोला सीएम बनने के बाद अपने पुलिस अधिकारियों को, इस बात पे जाने से पहले एक बार और बता दूं, यूपी में हुई इनकी करारी हार, अब के लोकसभा चुनावों में इनकी हो गई हालत खराब, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे अफसरों को बुलाया और उनकी क्लास लगाई, और ये गोदी मीडिया बड़ी बड़ी हेडिंग दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ ने सभी की क्लास लगाई। ये सरकार के नौकर है भाई, हमारे नौकर है, तेरे बाप के नौकर है क्या? तो 4 दिन का मुख्यमंत्री है और फिर इस तरह से अफसरों के साथ व्यवहार करता है, मतलब तुम्हारी पर्सनल, बीजेपी की पर्सनल नौकरी कर रहे हैं क्या अफसर, ये बताओ। अब आता हूं इस बात पे, जगह हमारी, खेत हमारा, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं, भाई किसी ने हक जता लिया और कोर्ट में कोई मुकदमा, ऐसा भी नहीं। मालिक हम अपने खेत को जोत रहे हैं, और एक बड़ा सा चबूतरा देखा ना, चबूतरा बना देते हैं, वो बना रखा है और उसमें झंडे लगा रखे हैं। अब योगी जी ने सरकार बनने के बाद अफसरों को बुलाया और ये बोला, कहीं भी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नई प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, और कोशिश ये करो जो पुरानी लगी है उनको तुड़वाओ। तुम्हारे बस की तुड़वाना नहीं है तो मैं आदेश भेजता हूं, तुड़वा दो, लेकिन डरपोक इतना है लिखित में आदेश नहीं देता, मौखिक देता है, जाओ तोड़ दो। ये डरते हैं यूपी पुलिस वाले योगी से, ये 1 सेकंड में आदेश की पालना करते हैं। अब ये जमीन हमारी, नियम लिखित में नहीं बनाया, मौखिक रूप से किया, आतंकवादियों की तरह, जो ये कहते हैं ना तालिबानी, ओसामा बिन लादेन है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है, ये ओसामा बिन लादेन है, और इनकी जो ये फोर्स लगी हुई है, ये भैया अलकायदा है, अलकायदा। ये शासन नहीं चला रहे, ये गुंडा राज चला रहे हैं, गुंडा राज चला रहे हैं ये लोग। और कहते हैं घर में भी अपने बाप का तुम जन्मदिन मनाओगे ना, परमिशन लेके आओ, तुम अपने भगवान की फोटो लगाओ ना घर में, यूपी में परमिशन लेके आओ। ये गोरा गांव के लोग गए, भाई हमारी जमीन है, खाली पड़ी है, हम लोग यहां प्रतिमा लगाना चाहते हैं। और पता है क्या बोलता है वो, निकाल के देना इनका, जरा मैं बनाऊं इनका हीरो, योगी आदित्यनाथ वही शेर होगा, घर का खालिस्तान क्या होता है। ये कहते हैं यदि वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी गई तो तनाव व्याप्त हो सकता है, जगह हमारी, घर हमारा, खेत हमारा, तनाव किसी पड़ोसी को दिक्कत नहीं है भाई, ये तनाव किसी पड़ोसी को नहीं है, ये वहां तनाव व्याप्त नहीं हो रहा है, ये तनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिमाग में है, और जो तनाव बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेके योगी जी के दिमाग में है, बहुत जल्दी उसको निकाल भी देंगे। ये परमिशन मांग रहे हैं,
अपने घर में प्रतिमा लगाने की, और अब तक इनको परमिशन नहीं मिली है। बोलो, अपने घर में प्रतिमा लगाने की कोई परमिशन मांगता है? नहीं। एक तो उल्टा कानून ये, फिर वो दे नहीं रहे, कह रहे तनाव व्याप्त हो सकता है। क्यों भाई? 5 साल के लिए सरकार आती है, किराएदार हो तुम, इस देश के मालिक हुक्मरान हम है, जो ये खड़े, देखो ये खड़े हम है। ताली बजा दो। नहीं, ताली मत बजाओ, बजाओ मत, जय भीम बोल दिया। एक ये मामला है। एक बार आपने, पता है आपने, एक मेरा बयान देखा होगा, बयान क्या मतलब, मैं आगरा में गया था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीछे काफिला था, यूपी पुलिस आई और रास्ता रोका और बोले जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। और मैंने कहा नवाब सतपाल तंवर खुद ही आए हैं, जुलूस तो क्या पूरी रैली निकाल देंगे। यही हुआ था, यही हुआ था। तो उस पुलिस वाले ने यह कहा था कि नई परिपाटी नहीं पड़ेगी। इस नई परिपाटी का मतलब है कि दलितों की दोबारा सरकार नहीं आएगी, दलितों को उठा करके जेलों में डाला जाएगा और इस देश में तानाशाही आएगी। अगर बचाना चाहते हो तो भाई बचाओ, ये ध्यान रखना। पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं, पूरे देश की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में इन लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ जेलें भी होंगी, मुकदमे भी लगेंगे, डरना नहीं है। डर के आगे जीते, डर के आगे जीते, डर के आगे जीते। और यदि 2 दिन के भीतर इन दोनों लोगों को रिहा नहीं किया गया, ध्यान रखना, उनका अलग काम है मैडम का, मेरा अलग काम। अगर 2 दिन के भीतर रिहा नहीं किया गया तो फिर हम शांति प्रिय तरीके से लखनऊ में जाकर के भारी प्रदर्शन करेंगे, पूरा मैटर सॉल्व करके आएंगे। लखनऊ की तैयारी कर लेना, अगर नहीं छोड़ा गया तो संविधान में हमें अधिकार है, हम लोग लखनऊ पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम।